क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। मैंने जैसा आपको पुरानी वीडियो में बोला था, जिसमें मैंने कुसैक का वॉक अराउंड किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं जल्दी इसका एक ड्राइविंग रिव्यू लेके आऊँगा। और आज हम स्कोडा में दोबारा आ चुके हैं इसका कुसैक का ड्राइविंग रिव्यू लेने के लिए। तो आज हम ऑटोमेटिक चलाने वाले हैं, मैनुअल भी हमारे पास है, बट हमने ऑटोमेटिक को प्रेफर किया है इस समय। तो चलिए देखते हैं ऑटोमेटिक कैसी चलती है, इसका क्या लैग है, क्या नहीं है, इसके पावर परफॉर्मेंस क्या क्या अपन को देखने को मिलती है आज। और मेरा नाम है विवेक, आप देख रहे हैं ऑटो सज्जन। बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ, एंड तक देखिएगा सारी चीज़ों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं गाड़ी को चलाने के लिए। इससे पहले कि इसके अंदर चले, मैं इसका दोबारा आप लोगों को एक वॉकराउंड छोटा सा दिखाना चाहता हूँ। गाड़ी पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, क्रिस्टलाइन करके इसकी टेल लाइट दिखती है। बहुत ही एक स्टाइलिश पूरा वे में इस गाड़ी को बनाया गया है, जो इस सेगमेंट की कार से क्रेटा वगैरह का, तो मतलब क्रेटा आई थी तब बहुत स्टाइलिश वो लगती थी, लेकिन उसके बाद कुसैक काफ़ी उसके सेगमेंट में बहुत स्टाइलिश यहाँ देखने को मिल जाती है। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू दिख जाता है, फ्रंट व्यू बहुत ही स्टाइलिश का दिया गया है। यहाँ पे आपको ये गाड़ी की चाबी मिलती है, जिसमें आपको मिलता है लॉक, बूट खोलने का बटन और एक अनलॉक का। इस गाड़ी को हम अनलॉक करते हैं। अंदर आके देखेंगे तो यहाँ पे सेम आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि आपको मैनुअल में मैंने आपको दिखा दिया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर गियर जो है, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक वाला मिलता है, जिसमें लिखा है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव, तो ये आपको मिल जाता है। बाकी चीज़ें लगभग सारी सेम है। और यहाँ पे एसी का थ्रू मैं देख सकता हूँ, काफ़ी अच्छा एसी का थ्रू हो रहा है, यहाँ पे बहुत जल्दी कूल कर रहा है। तो दोस्तों इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 6 गियर्स, जो DCT होता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो वाला आता है यहाँ पे सेम वो मिलता है। और हम जो चलाने वाले हैं वो है 1 लीटर TSI। तो चलिए इसको मैं रिवर्स में कर लेता हूँ। पहले रिवर्स में जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे, यहाँ पर गाड़ी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है ना, ऑटोमेटिक में हमेशा ऐसा ही होता है। तो चलिए इस गाड़ी को हम बैक करते हैं, और मैं यहाँ पे स्पीड ऑटोमोटिव रायपुर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें गाड़ी रिव्यू करने का मौका दिया है। और आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, बाकी यहाँ पर भी आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। चलिए अब हम इसको ड्राइव मोड पर डालते हैं। ड्राइव मोड पर आ गई गाड़ी। जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे यहाँ पर गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक में, यही एक चीज़ रहती है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो हैंड रेस्ट होता है, यहाँ पर आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे एक अच्छी चीज़ यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डी कट यहाँ पे आपको स्टेयरिंग मिलता है, जिसमें लेदर रैप है, और काफ़ी अच्छी प्रीमियम फील होती है यहाँ पे। स्कोडा की ये गाड़ी है तो कुसैक है, इसमें काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रीमियम फील करने के लिए दी गई हैं। डैशबोर्ड हुआ इसका, यहाँ पर ब्लैक पियानो फिनिश हुआ, सारे एलिमेंट्स इसमें मिल के आपको इतना प्रीमियम फील कराएंगे कि आप BMW वगैरह को भी भूल जाओगे थोड़ी देर के लिए। बाकी इसमें मतलब इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से आपको सारी चीज़ें भर भर के इसमें मिलती हैं। और स्कोडा की गाड़ियों में और वॉक्सवैगन की गाड़ियों पे थोड़ा सा उल्टा दिया रहता है, यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, जो थोड़ा सा मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ हो रहा था स्टार्टिंग में। और आगे देखेंगे तो यहाँ पे गाड़ी को हम थोड़ा सा पुल करेंगे, देखेंगे ट्रांसमिशन का अगर जर्क है, नहीं है तो ट्रांसमिशन में जर्क महसूस नहीं हो रहा है, स्मूथली चल रही है। फर्स्ट से सेकेंड थर्ड लग गया पता नहीं चला है, स्पीड भी काफ़ी अच्छे से पकड़ने में ये मुझे महसूस हो रहा है इस गाड़ी में, मतलब टर्बो डिले नहीं है इस गाड़ी में। 1 लीटर होने के बाद भी काफ़ी अच्छी स्पीड ये पकड़ पा रही है, 60 पे बहुत जल्दी पहुंच गई। उसके बाद में गियर चेंज हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है, तो गियर मतलब बहुत स्मूथ है इसमें। आप अगर इसको अच्छे से लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, आपको चलाने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसकी सीट्स की कुशनिंग भी बहुत अच्छी है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, हैंड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे बैठने में। और यहाँ पे आपको सीट एडजस्टेबल मिल जाती है, जो कि आप बोनट साइड में सीधा सीधा आप बोनट यहाँ पे देख सकते हैं आप हाइट एडजस्ट करके। उसके बाद में यहाँ पे मुझे क्रूज़ कंट्रोल भी हैंडल पे मिलता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है लॉन्ग ड्राइव पे आप जाते हैं। तो बात करेंगे सस्पेंशन की, तो यहाँ पर सस्पेंसन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, एकदम अच्छी क्वालिटी के सस्पेंसन यहाँ मिलते हैं। आप गड्ढे में भी लेके जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, काफ़ी अच्छे से स्मूथली गाड़ी अपनी जा रही है, किसी भी तरह का जर्क महसूस नहीं हो रहा है गाड़ी में। देखिए अगर गड्ढे में मैं ले जाऊंगा तो किसी भी तरह का महसूस नहीं हो रहा है। इंजन की नॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मतलब हम लोग आपस में अच्छे से बात भी कर सकते हैं, इतनी नॉइस है, बिल्कुल भी जीरो नॉइस आ रही है इंजन की। इंसुलेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है,
और यहाँ पे एक और आपको चीज बताऊंगा, अगर गियर को आप थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट करेंगे साइड में, जैसे मैंने यहाँ कर दिया ड्राइव है, सिंपली आप मतलब एक्सेलेटर दबाएंगे गाड़ी चलेगी। इसको अगर आप आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे गियर चेंज होते हैं। हैंडल पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छी चीज यहाँ पे यूनिक निकल के आ जाती है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे गियर्स अप होंगे, यहाँ पे हमारे गियर्स बढ़ेंगे, और यहाँ पे अगर इसको हम दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे गियर्स डाउन होते जाएंगे, जो कि अभी तक ये होंडा सिटी में देखने को मिला है, ये टॉप मॉडल सेल्टॉस में भी देखने को मिला है, और आपको स्कोडा की कुसैक में भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और खासियत मिल जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती है यहाँ पर। ये मेरा कंट्रोल, यहाँ पे साइड में जो बैठे को पैसेंजर उनका कंट्रोल हो जाता है। मतलब अगर आप गर्मी में चल रहे हैं तो पीठ आपकी, मतलब अगर लेदर सीट्स भी हैं, अपहोल्स्ट्री लेदर की है, तो उसमें आपको पसीना नहीं आने वाला है। ये नॉर्मल प्रॉब्लम जो है गाड़ियों में गर्मियों के टाइम पे बहुत हो जाता है, तो मतलब इससे आपको निजात यहाँ पे मिल जाएगी कुसैक में। और अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस सेगमेंट की, तो बहुत ही एग्रेसिवली इसका प्राइस रखा गया है, जो कि इसकी जो राइवल्स कार है, जैसे क्रेटा और बाकी चीज़ें हो जाती हैं जो कार्स हैं इसकी, सेल्टोस भी हो जाती है, तो उनके मुकाबले इसकी रेट, इसकी जो प्राइसिंग है बहुत ही अच्छी रखी गई है। इसकी स्टार्टिंग जो होती है 10 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी प्राइसिंग की, और वो जाते जाते आपको पड़ जाती है 16.4 के समथिंग आपको प्राइसिंग इसकी पड़ जाती है, जो कि काफ़ी मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे ये ब्लैक पैनोफिनिश यहाँ से वहाँ तक मिलती है स्कोडा की बैजिंग के साथ, जो कि आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा। ये कुछ कार्बन फाइबर जैसा है यहाँ पे फील होता है, जो कि टच है इसका बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जिसमें आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्विटर्स मिलते हैं, जो कि एक वहाँ पे माउंट पे उस वाले पे प्लेस्ड है, एक यहाँ पे प्लेस्ड है, और ये आपको सब वूफर के साथ में आता है। मतलब आपको आफ्टर मार्केट इसमें किसी तरह का एम्पलीफायर या सब वूफर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको हम यहाँ पे चालू करके देखते हैं सॉन्ग कि क्या इसमें इसका रहता है साउंड वगैरह सिस्टम का। तो यहाँ पे आप सुन रहे होंगे, मतलब यार क्या ही बताऊँ मैं, मज़ा आ गया। नेक्सॉन से भी अच्छा मेरे को यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है, इसमें बेस वगैरह काफ़ी उम्दा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया इस गाड़ी का, और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, आपको मतलब मज़ा ही आ जाएगा, आप गाड़ी चलाएंगे तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आपको होने वाली है। उसके बाद देखेंगे तो इसका ग्लव बॉक्स आपको मिलेगा, चिलर ग्लव बॉक्स, अंदर आपको चिलिंग करने का पूरा सिस्टम दिया गया है, वेंट्स दिए गए अंदर। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये मतलब टॉप मॉडल में बहुत ही अच्छी चीज़ ये दे रखी है, मतलब 16.4 लाख में आप ये गाड़ी लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी, आफ्टर मार्केट आपको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेफ्टी की बात करेंगे, सेफ्टी के लिए तो स्कोडा ऑलरेडी बोल रखी है यार कि आप हमारी गाड़ी कहीं भी आप चेक करा लीजिए, इनका लोहा हर जगह बोलता है। और मैं यहाँ आपको बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहता हूँ क्रिसा के बारे में, कि आपको सनरूफ मिलता है, ये टॉप मॉडल है और टॉप मॉडल में आपको सनरूफ मिलता है, जो कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मिला है। मतलब यहाँ पे आराम से 2 लोग खड़े हो सकते हैं यार, ये देखिए ये सनरूफ खोल दिया हमने, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब 2 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। और नेक्सॉन में मैंने जो देखा था वहाँ पे एक ही जन था, और यहाँ पे इसको आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नेक्सॉन में जो है स्पेस बहुत कम मिलता है, XUV 3W में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है सनरूफ का, और बाकी गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा स्पेस मिलता है। यहाँ इसमें पैनारोमिक सनरूफ ऑप्शन में नहीं आता है। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। तो आज हम इस गाड़ी के TSI इंजन की जानकारी लेने वाले हैं, जो कि इसमें मिलता है 1.0 लीटर का इंजन, जो कि देखने में 1.0 लीटर है 1000 लीटर का, लेकिन काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी स्मैसी है। तो ये रहा दोस्तों इसका इंजन, सिंपलिस्टिक रखा गया पेट्रोल इंजन है, तो काफ़ी तामझाम इसमें नहीं होता है। यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है, यहाँ पे आपको फ्यूज़ बॉक्स मिल जाता है, यहाँ आपको एयर फिल्टर वगैरह मिल जाते हैं, और बाकी चीज़ें सब सेम रखी गई हैं। इंसुलेशन आपको बैक में भी मिल जाता है, ऊपर में आपको इंसुलेशन नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कोई इंजन की नॉइस अंदर नहीं आ रही थी, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, बिना इंसुलेशन के भी वॉइस नहीं आ रही थी। बाकी आपको इसके स्पेसिफिकेशन इंजन के आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इस गाड़ी की खासियत है, जो आपको इसमें एक्टिव छोड़ के, जो एक बेस मॉडल है वो छोड़ के, अगर आप जो मॉडल लेते हैं कोई सा भी, उसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑटोमेटिकली उसमें आ जाते हैं, मतलब पूरी गाड़ी ही पैकेज्ड उसमें आती है, और आपको ये मिलना चालू हो जाते हैं एक्टिव बेस जो मॉडल उसको छोड़ के बाकी मॉडल्स में ही मिलते हैं। तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगी इस गाड़ी की। अगर आप छत्तीसगढ़ से रहते हैं, छत्तीसगढ़ में बिलोंग करते हैं, आपका रहना छत्तीसगढ़ में होता है,
तो आप रायपुर के स्पीड ऑटोमोटिव पे आके स्कोडा कुशैक की बहुत ही अच्छी डीलिंग क्रैक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको स्कोडा की बहुत ही अच्छी डीलिंग यहाँ मिल जाएगी, और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस और नंबर्स बाकी दे रखे हैं, तो आप जाइए और यहाँ पे अपनी अच्छी डील्स का मज़ा लीजिए।